India's largest hallmarking group of companies, introduces jewelry certification card. Purity's our surety. Prince and Nakota Hallmarking Center. ये रिसीविंग एंड डिलीवरी सेक्शन में सबसे पहले ज्वेलर अपनी ज्वेलरी देता है, जिसको कि तोल के, गिन के, देख के एक्सेप्ट किया जाता है। उसको रिसिप्ट दी जाती है और जॉब कार्ड भर के इसको अंदर दे दिया जाता है। हॉल मार्किंग सेंटर में जहां एक एक पीस की एक सारिफ होती है, चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी प्योरिटी है और उसके अंदर कोई इरिडियम, रुथेनियम और कैडमियम वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उस लॉट में से कोई 300-350 मिलीग्राम सैंपल लिया जाता है, जिसको कि मेल्टिंग फर्नेस में मेल्ट कर लेते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। और वो मेल्टेड पदार्थ को वो पहले फ्लैट करते हैं, उसके बाद उसकी छोटी सी पत्ती निकाल के उसे दो हिस्से में काट लिया जाता है, फिर उसे तोला जाता है। दो हिस्सों में तोल के छोटे छोटे लेट फॉइल के अंदर चांदी जितनी डालनी है डाल के उसको क्यूपलेशन फर्नेस में डालकर क्यूपलेशन की जाती है, ताकि उसके अंदर सारे बेस मेटल निकल जाए, केवल चांदी और सोना रह जाए। ये जो चांदी और सोने की छोटी छोटी बॉल्स है, इनको फ्लैट करके, इनकी एनेलिंग करके, फिर इनकी स्ट्रिप्स निकाली जाती है। वो पत्तियां निकाल कर देख लेते हैं कि ये पत्ती यूनिफॉर्म साइज की, थिकनेस की है या नहीं, और इनको फिर से एनेलिंग की जाती है। एनेलिंग के बाद इनकी नंबरिंग की जाती है, ताकि ये प्रोसेस में ये आपस में मिल ना जाए। और फिर इनके छोटे छोटे रोल बनाकर इनको नाइट्रिक एसिड में डालकर चांदी को निकाल लिया जाता है। उसके बाद इनको वॉश करके फिर से इसको एनेलिंग करते हैं, और कूलिंग करने के बाद इसको तोड़ लेते हैं। जो पास होते हैं उनकी हॉलमार्किंग की जाती है, और जो लॉट फेल होते हैं उनकी नहीं की जाती। हॉलमार्किंग में चार निशान लगाए जाते हैं। BIS का लोगो, प्यूरिटी हॉल मार्किंग सेंटर का लोगो, ज्वेलर्स का लोगो, और ये केवल तीन प्यूरिटीज के हॉल मार्क की जाती है, 9167505। उसके बाद ये माल जिस कस्टमर का होता है उन्हें इनवॉइस के साथ रिटर्न कर दी जाती है। India's largest hallmarking group of companies introduces jewelry certification card. Purity's our surety. Prince and Nakota Hallmarking Centers.